तो 5 बजते ही चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। कोटा से क्या कुछ खास फिलहाल निकल कर आ रहा है वो आपको बताएंगे, क्योंकि अंतिम दिन प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ी। बीकानेर पश्चिम की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी गोपाल जोशी, कांग्रेस प्रत्याशी बीडी कल्ला के समर्थकों ने रोड शो के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों के समर्थकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारे भी लगाए। तो वहीं कोटा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां पर दोनों ही प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं क्या स्थिति अब फिलहाल अब बनी हुई है और उस दौरान क्या कुछ खास यहां पर देखने को मिला, मेरे सहयोगी भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर, फिलहाल उस वक्त क्या तस्वीर निकल कर आई थी, क्योंकि पूरी ताकत यहां पर सभी पार्टी ने झोंक दी थी, सभी दिग्गज यहां पर मैदान में उतरे थे, और अब फिलहाल प्रचार थमने के बाद क्या स्थिति है? जहाँ देखिए 5 बज चुके हैं पूनम और प्रचार थम चुका है। मैं फिलहाल हाड़ौती अंचल के 12 शहर में खड़ा हूँ जहाँ कुछ मिनट पहले ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रोड शो समाप्त हुआ है। और ये तस्वीरें आप रोड शो की देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ से सीएम कुछ देर पहले एड्रेस करके और यहाँ से निकल चुके। आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में पुलिस जाब्ता अभी भी यहाँ पे तैनात है और अब जाकर के जो ट्रैफिक जैम है इससे इस चौराहे को मुक्ति मिली है। ये 12 का प्रताप चौक इलाका है और एक दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर मुख्यमंत्री ने ओपन जीप में खड़े होकर के और 12 शहर की जनता को एड्रेस किया और 12 से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे बाबूलाल वर्मा, उनके लिए मत और समर्थन मांगा। और उनके ठीक बगल में ये चुनाव कार्यालय है कांग्रेस के प्रत्याशी का, 12 अटरू से पानाचंद मेघवाल कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके चुनाव कार्यालय के सामने सीएम ने अपना रोड शो समाप्त किया और बीजेपी के लिए वोट मांगे। और अपने संबोधन के बाद उन्होंने खास तौर पर इशारा करके कहा कि इनको नहीं जिताना है बल्कि बाबूलाल वर्मा को वोट देकर यहां से बीजेपी को जिताना है। अगर हाड़ौती अंचल की बात करें पूनम, तो आज रोड शो का जोर रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 12 शहर से बाबूलाल वर्मा के लिए रोड शो किया है। कोटा के रामगंज मंडी से अर्जुन राम मेघवाल जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री है वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी जो वहां से मदन दिलावर है उनके लिए रोड शो किया। प्रमोद जैन पाया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है 12 के अंता से, उन्होंने रोड शो किया। प्रभुलाल सैनी जो कि अंता से बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने मांगरोल में रोड शो किया। भरत सिंह ने सांगोद में रोड शो किया। शांति धारीवाल जो कोटा उत्तर से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने नदी पार इलाके में आज पूरी तरह से ताकत प्रचार में झोंक दी। कोटा के लाडपुरा से गराना जो इलाका है वहां से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हल्की फुल्की भिड़ंत की खबरें भी हमारे पास आई है। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रचार के जो आखिरी 2 दिन है और प्रचार का जो आखिरी घंटा जो आखिरी मिनट है वो अग्रांचल में दिए हैं। पहले कोटा के सांगोद में उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी हीरालाल नागर उनके पक्ष में सभा की और इसके बाद 12 में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने यहां से जो प्रत्याशी है यहां पर आम जनता जो है फिलहाल वो क्या यहां पर चाहती है, उसका क्या फिलहाल रिएक्शन निकल कर आ रहा है? कुछ लोग आपके साथ खड़े, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि लंबे वक्त से प्रचार प्रसार चल रहा है। खुद सीएम यहां पर पहुंची थी, तमाम दिग्गज यहां पर कांग्रेस के भी पहुंचे थे, तो किस तरीके का माहौल फिलहाल उन्हें यहां पर अब नजर आ रहा है और 2 दिन बहुत ज्यादा भारी तमाम प्रत्याशियों के लिए? बिल्कुल पूनम, मैं लोगों से आपकी बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि हाड़ौती अंचल मुख्यमंत्री का गृह अंचल है और ये वो जगह है जहाँ विधानसभा की 17 में से 16 सीटों पर फिलहाल बीजेपी है। तो इतना जो चमत्कारिक प्रदर्शन है उसको किस तरह से बीजेपी रिपीट कर पाती है ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि सामना एंटी इनकमेंसी है। कुछ लोगों से मैं आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह का माहौल है इस बार का? इस बार माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, क्यों मुख्यमंत्री जी आई थी रोड शो करके गई थी? अभी तक बीजेपी कैंडिडेट कमजोर चल रहा था, मजबूती प्रदान करने के लिए रोड शो किया गया। क्या बीजेपी के कैंडिडेट वाकई में कमजोर रहे हैं? वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, 12 के प्रभारी मंत्री भी रहे। हाँ, थोड़ा कमजोर चल रहे थे। अच्छा, कमजोर है इस बात में क्या मानस है इस बार? नहीं, बीजेपी यहाँ से प्लस है और अब की बार बाबूलाल जी वर्मा अच्छे वोटों से लीड लेंगे। रोड शो में खूब धूमधड़ाका रहा, खूब आतिशबाजी ढोल नगाड़े बजाए आपने, फिर आपको लगता है कि माहौल कुछ बदला इसे? नहीं, माहौल बदलेगा, फर्क पड़ता है जब मैडम सीएम यहाँ आई है तो माहौल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और हमें आशा है कि बीजेपी सरकार वापस आए और यहाँ से बाबूलाल जी वर्मा जीते। यहाँ ज्यादा क्रेज मुख्यमंत्री जी का है या बाबूलाल जी का है? अभी तो मुख्यमंत्री जी का भी है और बाबूलाल जी का भी चल रहा है, फिलहाल बहुत अच्छा है यहाँ से। पंडित जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मेडिकल कॉलेज इस बार मुख्यमंत्री जी साथ है बाबूलाल जी के, तो जरूर विकास भी होगा और बाबूलाल जी जीतेंगे। ठीक है भंवर, यानी कि अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसका क्रेज